1 अरब 22 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन का केस। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। मेडिकल टीम एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स में तिब्बी मुआयने के लिए पहुंच गए। चौधरी परवेज इलाही फैमिली की आड़ में गिलगित बल्तिस्तान फरार हो रहे थे। ड्राइवर का पुलिस को बयान। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने की कोशिशें चेयरमैन पीटीआई की ताजा चाल है। 9 मई के वाकयात से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा जो शख्स रियासती इदारों के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करे, लोगों को तशद्दुद पर उकसाए, फौजी तंसीबात पर हमला करे, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और हुकूमत का IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म करने का फैसला। नया कर्ज प्रोग्राम लेने की तैयारियां, दिसंबर तक पाकिस्तान को 9 से 11 अरब डॉलर्स की अदायगियां करना होंगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं 9th रिव्यू बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब भी कोशिश है कि मुआयदा हो जाए। पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा ना कभी डिफॉल्ट करेगा।